तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम सिमेट्रिकल वर्सेस अनसिमेट्रिकल एल्केन कैसे प्रिपेयर करें या कैसे सिंथेसाइज करें। देखिए, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि पता क्यों पता होना चाहिए, ये आप वीडियो के आगे में देखोगे कि इसमें कंफ्यूजन्स कहाँ पर आती हैं। तो जो पहली जो हमारी रिएक्शन है सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या करती है कि पिछली बार हमने एक एल्काइल हैलाइड के बारे में, मतलब हम एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं एक रिएक्शन से, तो हमने सपोज उसी रिएक्शन से एल्केन बनाया हुआ है, एल्काइल हैलाइड बनाया हुआ है। ये पेन ले लेते हैं, थोड़ा पेन तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, उसके 2 मोल 2 सोडियम से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर हायर एल्कीन बना। देखो, अगर इसमें 1 था कार्बन तो इसमें 2 हो गया, ठीक है, 2 कार्बन हो गए और एल्केन बना है। तो अगर मैं इसके अलावा कुछ और ले लेता, सपोज इथाइल ले लेता, तो भी कुछ होता, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि ड्राई इथर होता क्या है, ड्राई इथर वर्सेस नॉर्मल इथर। देखिए, जो इथर होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है आर ओ आर। ये आर जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इसको ऐसे समझना है, ये एल्काइल ग्रुप है। तो ड्राई इथर वो कैसे करते हैं कि इसको डिस्टिलेशन से, प्रोसेस क्या होता है डिस्टिलेशन, इससे इसका पूरा वाटर निकालते हैं। अब वाटर क्यों निकालते हैं, सोडियम के बारे में सबको पता है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है। तो अगर हल्का सा भी मॉइस्चर रहेगा तो ये सोडियम वाटर से रिएक्ट कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, बहुत ज़्यादा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर सोडियम को पानी में कभी फेंकोगे, अगर आप 11th 12th के ग्रेजुएशन में सब करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि आग निकलती है, आग पकड़ लेगा सोडियम। तो इसी चीज से बचने के लिए डाई इथर का इस्तेमाल होता है इंजेक्शन में। और इथेर, नॉर्मल इथर जो होता है वाटर कंटेन करता है, कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डाई इथर बनाने से रिएक्शन जो है महंगी हो जाती है, उसको बोल सकते हैं कि उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो यानी एक एल्केन अगर हम लेंगे तो उसका डबल कर देगा नंबर्स का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अगर मैंने इस बार इथाइल क्लोराइड लिया, तो हमारे 2 मोल 2 सोडियम से रिएक्शन करेंगे और C2H5 और +2 NaCl बनाएंगे। ये NaCl बाय प्रोडक्ट है, हमें इतना सोचने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। रिएक्शन कैसे होगी कि अगर C2H5Cl ले रहे हैं तो इसके इसको इस तरीके से लिखना है, एक C2H5 को कोई भी अगर सिमेट्रिकल है तो Cl को इस तरह से पॉइंट कराना, सोडियम को बीच में रखना और यहाँ से NaCl निकल जाएगा और C2H5 जुड़ जाएगा। अब इससे खास बात इसकी क्या हो गई कि हम हायर नंबर्स के एल्केन बना सकते हैं। मतलब अगर हमको मीथेन मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड मिला, NaCl मिला, तो हम बना सकते हैं इथेन। तो पहली लिमिटेशन इसकी यही है कि मेरे को जो लगता है पहली लिमिटेशन इसकी यही है कि आप ना मीथेन नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते मिथेन, नहीं बना सकते। ये इसकी पहली लिमिटेशन है, यू कैन नॉट सिंथेसाइज मिथेन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि ड्राई इथर इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री हमेशा कोशिश करती है कि हम कम से कम प्राइस में अपनी रिएक्शन कर सके, ताकि क्योंकि जितना हम कम उसमें खर्च करेंगे उतना हम मुनाफा कमा पाएंगे, उतना ही हमको क्या बोल सकते हैं प्रॉफिट होगा। तो पहली तो लिमिटेशन हो गई मिथेन नहीं कर सकते, दूसरी लिमिटेशन है ड्राई इथर। सेकंड लिमिटेशन इसकी ये है कि जब भी अगर हम इससे पहले जो ये जो है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब सिमेट्रिकल है, हमने 2 सिमेट्रिकल जो एल्कीन हमने लिए उन्हीं के डबल कर दिया, तो ये सिमेट्रिकल है। सपोज अगर मैं बोलूं कि मुझे ऑड नंबर का कोई एल्कीन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है, और इस रिएक्शन से बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास रिएजेंट क्या होंगे, एक होगा हमारा रिएजेंट होगा, उसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, दिस इज ईटी क्लोराइड, इसको इथाइल क्लोराइड बोलते हैं, तो ईटीसीएल भी लिख सकते हैं, इसको एमईसीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अगर हम डाई इथर में करेंगे तो रिएक्शन इस प्रोडक्ट को, ओके, थोड़ा मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है,
एक्चुअली में ये है सी टू एच फाइव, थोड़ा सा और कलर कर देते हैं, सी टू एच फाइव है। तो जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था, प्रोपेन जो चाहिए था वो तो हमें मिला, लेकिन साथ साथ ये भी मिल गए। मतलब इसने अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लिया दूसरे सी एच थ्री सी एल के साथ में, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन बने? तीन कॉम्बिनेशन बने। इसने अपने वाले के साथ भी कंबाइन कर लिया, इसने भी अपने वाले के साथ कंबाइन कर लिया, और इन दोनों ने आपस में कंबाइन कर लिया। तो ये तीन जो रिएक्शंस हुई, इसकी वजह से हमारे पास बाय प्रोडक्ट बढ़ गए। ये वाला प्रोडक्ट अपने को नहीं चाहिए था, ये वाला प्रोडक्ट भी अपने को नहीं चाहिए था, अपने को ये चाहिए था। तो यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अगर आपने कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करी, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करी, तो आपको बहुत सारे बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो वो हम चाहते नहीं है। तो ये रिएक्शन अच्छी है सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए अच्छी नहीं है। अब यानी हमें कोई ऐसी रिएक्शन चाहिए जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सके। इसके लिए होता है कोरी हाउस सिंथेसिस। तो ये जो बुक, एक बुक का स्क्रीनशॉट है, तो मैं बुक रेफर भी कर दूंगा अगर आपको जरूरत है, लेकिन जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सा एडवांस लेवल की बुक है, आपको समझ भी ना है, लेकिन मैं समझा भी सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, उसका एक, ये भी ड्राई एथर की प्रेजेंस में होती है, लेकिन इसमें एक रिजेंट अपने को बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं गिलमेंस रिजेंट। गिलमेंस रिजेंट क्या करता है कि हम एल्काइल हैलाइड को लिथियम से रिएक्शन करा के आर एल आई बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आर एल आई को कॉपर आयोडाइड से रिएक्ट करके आर टू सी यू एल आई बना देते हैं। ये आर टू सी यू एल आई जब एल्केन से रिएक्शन करता है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर सकता है, वो देखो आर डैश ले लिया गया है, क्योंकि आर और आर डैश सेम नहीं है। ये आर अगर मिथाइल है तो ये मिथाइल भी हो सकता है, आर डैश सेम भी हो सकता है, और सी टू एच फाइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वैसे। तो हमें रिएक्शंस में बाय डिफॉल्ट ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब आर और आर, ये वाला इसका मिल जाएगा, और हमको ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम इसको वैसे देखें इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, तो सपोज मैंने मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन स्टार्ट करी, लिथियम से रिएक्शन करा के ये एक अपनी रिएक्शन हुई, तो सी एच थ्री एल आई हमने बना लिया। इस सी एच थ्री एल आई को कॉपर हाइड्राइड से रिएक्शन कराया, सी एच थ्री सी यू एल आई मैंने बना लिया। अब जैसे मैंने इसको रिएजेंट को यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैं इसको चाहूँ तो मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा सकता हूँ और इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा सकता हूँ। मेरे क्या प्रोडक्ट बने? प्रोपेन बना। इस पहले वाले में इथेन बन गया, दूसरे वाले में प्रोपेन बन गया। यानी आपने सिर्फ इवन नंबर वाला नहीं बना सके, ओड नंबर वाला भी बना सकते हो। तो कमाल की रिएक्शन है ये, बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि इन एल्केन जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री की जान है। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बड़ी रिएक्शन है जो इस्तेमाल करती हैं। तो पेट्रोलियम हमारा एल्केन्स का ही। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन कंप्लीट, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। तो आप मेरी वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक भी करिए। और पैसा मेरा मोटिवेशन नहीं है, मैं बहुत अच्छी जॉब पर हूँ अभी भी। मेरा मोटिवेशन है कि मैं, हम एज मतलब हम अगर किसी सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो वापस से करने का टाइम आ गया है। सब क्या पता फ्यूचर में मैं कोई इतना बड़ा प्रोफेसर ना बन पाऊँ, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो जरूरी नहीं है ना कि पढ़ाने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रोफेसर ही बनना है। आप पढ़ा तो कभी नहीं सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।